हुर्रे। बचपन है बीत गया कब का है दूर जवानी, अब भी कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी है अलग कहानी सबकी। हम सबके दुख सबकी खुशियाँ मिलकर एक रंग बनाती है, उस रंग में रंग के हम सब एक रंग हो जाते हैं। हिम्मत ऐसी कि आसमां छू जाते हैं। हिप हुर्रे, आज हमारा कल अपना, सुबह सुबह फोन पे मेरी लड़ाई हो गई मंजर से। जब मैंने उसे कहा कि तुम रंगीन सपने देख रहे हो, he's accusing me of being cold hearted। ये जॉन भी ना अपने आप को खूब स्मार्ट समझता है। आप दोनों के सर में तो भूसा भरा हुआ है। किरण एंड आई वॉक्ड ऑल ओवर हिम। उधर सैम और प्रशीता ने भी शायद राफे की काफी खिंचाई की। अरे लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं जो लड़के। ओके ओके जस्ट मूव इट मूव इट मूव इट। वी वर ओनली टू हैप्पी टू जॉइन देम। एक साथ मिलकर किसी लड़के की पिटाई करने का मजा ही कुछ और होता है। विक्ट्री सेलिब्रेशंस के दौरान किरण एज यूजुअल केम अप विद अ वाइल्ड प्लान। व्हाट इज दिस किरण? सिगरेट पैकेट मोना, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हमने तो एंटी स्मोकिंग कैंपेन किए थे, भूल गए क्या? हम सबको पता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज बैड एंड अनकूल। देख सामी, हम लोग सिर्फ आज मस्ती के लिए कर रहे हैं, और वैसे भी मुझे पता करना है कि जब लोगों को पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है तो लोग पीते क्यों हैं? पर हम सिर्फ एक बार ट्राई करना चाहते थे, यू नो, जस्ट फॉर किक्स, अ सिली टीनेज एक्सपीरियंस। ए पक्का सिगरेट का रक्कन मेरा रक्कन। फ्रैंकली मुझे नहीं लगता मैं फिर से ट्राई करूंगी। तभी हमारा मजा किरकिरा करने के लिए राफे टपका। लेडीज दरवाजा खोलिए प्लीज, मैं जानता हूँ तुम सब अंदर हो, कम ऑन। मैं छुप गई ये सोचकर शायद मजहर हो उसके साथ, और तभी शराबी आवाज निकाली तो गोली चल जाएगी। आई कुडंट बिलीव दिस वाज हैपनिंग टू मी। चुप, बिल्कुल चुप, जरा सी भी आवाज निकाली तो बहुत बुरा होगा सबके लिए। ये तो वही है। ओ, तो तुम मुझे जानती हो। चलो अच्छा है, दिन अच्छे से गुजरेगा। अब चले वहां, बड़े आराम से शांति से बात कर सकते हैं। चलो चलो। चलो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? ए, चुप, चुप बैठ। लेकिन ए शाने, चुप का मतलब समझता है कि नहीं? चुप का मतलब बिल्कुल चुप। देखो, तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैं कहूं वैसे ही चुपचाप करते रहो तो किसी को कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो ए, तुम तो मुझे जानती हो ना? बताओ इन्हें मैं कौन हूं। अरे बताओ ना, शर्मा क्या रही हो? मैंने चुका है। Wanted by the police, arms के धंधे में, drugs के धंधे में, शायद अंटी में। ये भी अच्छा तरीका है मशहूर होने का। अरे इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बच्चों को हमेशा न्यूज देखनी चाहिए। अरे ये टीवी क्या सिर्फ क्रिकेट मैच और टीवी सीरियल के लिए होती है? हाँ सैमी,
तुम्हारा नाम सैमी है ना? और सर अगर अंदर हुए ना तो सजा जरूर दीजिएगा सर, हम परेशान हो गए ढूंढ ढूंढ के। यह है सर। लेकिन तुम हमसे क्या चाहते हो? लगता है अंदर से बंद है। सर जरूर अंदर होंगे सर। हेलो, कौन है अंदर? फिलहाल दरवाजा खोलो। बिल्कुल चुप। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो अभी, नाउ राइट अवे। सर हमको लगता है अंदर मस्ती हो रहा है। बहुत मजाक हो गया, अब बाहर आइए आप लोग और क्लास में चलिए चुपचाप। कम ऑन नाउ। सर एक काम करेगा, हम जाके एक ताला लेके आते हैं, लगा देते हैं। दिन भर भूखे रहेंगे ना तो होश ठिकाने आ जाएगा। कैसा आइडिया सर? आइडिया बहुत अच्छा है, वही करते हैं। हाँ सर। सुना आप लोगों ने, बोलू ताला लेने जा रहा है बड़ा सा, पीतल का, खुलेगा भी नहीं। दिन भर बैठे रहना भूखे पैसे अंदर। चल बोलो, जा रहे हैं हम लोग। जा रहे हैं। हम यहाँ कितनी देर तक बंद रहेंगे? हमें प्लीज जाके दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ स्वेर, हम कुछ नहीं बताएंगे, एकदम चुपचाप बैठे ही क्लास में भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अगर भोलू ताला ने बाहर से ताला लगा दिया ना तो तुम्हारा भी यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। चुप कर, मुझे मत सिखाओ मेरे लिए क्या मुश्किल है और क्या नहीं। वैसे भी यहाँ से मुझे बाहर तुम लोग लेके जाओगे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमें चुप कर शाने। जब तक बक 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 करते रहता है, बोलता ही रहता है, चुप ही नहीं रहता साला। इस वक्त कंट्रोल में मैं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन पुलिस आ गई तो क्या? अरे अब तक क्या बिगाड़ चुकी है पुलिस, मेरा क्या अब बिगाड़ेगी? पर तुम तो पुलिस से भाग रहे हो ना। तो क्या हुआ? तब मैं अकेला था, छुप रहा था, भाग रहा था, लेकिन अब मामला पलट चुका है। अब तुम लोग मेरे साथ हो, मेरे यहां से बाहर निकलने का लाइसेंस। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ मैं डिनोबली हाई स्कूल से बोल रहा हूँ। डिनोबली हाई स्कूल। हाँ मैं वहाँ का टीचर बोल रहा हूँ, टीचर विनी जॉर्ज। हाँ प्रॉब्लम क्या है? देखिए यहाँ पे एक क्रिमिनल है, हाँ वो हमारे स्टोर रूम में छुपा हुआ है, पता नहीं कितने दिनों से छुपा हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता हूँ, आई डोंट नो व्हाट ही लुक्स लाइक। उसने गोली चलाई है अभी। नहीं मुझे नहीं मालूम है किसी को गोली। देखिए वहाँ 3-4 बच्चे हैं, उसने उन बच्चों को वहाँ नीचे रखा हुआ है। आप जल्दी आ जाइए, प्लीज कम फास्ट। मैं डिनोबली हाई स्कूल से बोल रहा हूँ, आप एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। सोच। मैं स्पीक विद द कमिश्नर प्लीज। मैडम पुलिस इतना देर क्यों लगाता आने में? प्लीज डू समथिंग, देन इट विल बी टू लेट। आई डोंट हैव टाइम टू फाइल द FIR। आप यहाँ आके FIR लिखिए आप। Hey, hero. मेरी बात ध्यान से सुन, कुछ ही देर में बाहर पुलिस आएगी, तू उनको मेरा डिमांड बताएगा, एक गाड़ी
और 2 लाख रोकड़ा कैश, समझा? और मैंने हड्डी बैल की तरह सर क्या हिला रहा है? रिपीट, क्या बोला मैंने? 2 लाख रुपए कैश और एक गाड़ी। शाबाश, फुल मार्क्स, चल। और तुम चुप। आओ, भाग। रंगीला, इधर आना। देख लिया ना, सिगरेट पीना कितनी बुरी बात है। इंस्पेक्टर और एक गाड़ी भी, और वो ये कह रहा था कि वो एक लड़की को लेकर बाहर आएगा, पता नहीं कौन। और क्या करेगा? और अगर कोई पुलिस कुछ करने जाएगी तो उस लड़की को शूट कर देगा। अरे आदमी है, जानवर, हम गोली मार लेंगे इस तरह। चलिए आप कुछ कीजिए जल्दी। ठीक है, आप काम कर रहे हैं। राजन, मैं चीफ इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ। पुलिस चारों तरफ है, तुम्हारा बच के जाना नामुमकिन है। राजन, बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। राजन, हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। राजन, जवाब दो। राजन, राजन।
अरे इंस्पेक्टर साहब, गन है उसके पास, गन। छह बच्चे हैं उसकी गिरफ्त में। आई नो, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो एक खतरनाक मुजरिम है। तो फिर तो उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। हम बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते इंस्पेक्टर साहब। वैसे भी आप लोग कुछ नहीं कर सकते, और जहाँ तक रिस्क का सवाल है तो रिस्क तो ऑलरेडी लिया जा चुका है। He has his hostages. हम उसकी मांगे पूरी कर देंगे तो बच्चों को छोड़ देगा इंस्पेक्टर। क्या गारंटी है आपके पास? कोई गारंटी है आपके पास कि वो बच्चों को छोड़ देगा? देखिए, हमें उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शायद आप लोगों को पता नहीं, वो प्रोफेशनल आर्म डीलर है और ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को भूल जाएं? अगर आपको बच्चा वहां होता तब क्या करते आप? देखिए, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग हम पर विश्वास रखिए। We will do our best. Your best is not good enough, Inspector. मेरी बच्ची की जान खतरे में और यहाँ आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक बात बताइए कि आपके पास क्या गारंटी है कि आप उसको पकड़ लेंगे? एक बात हमको और बताइए कि वो क्या बोलते हैं आपकी वो कस्टडी से जब वो भाग रहा था तो आप क्या कर रहे थे? हाँ, कहाँ थे आप? भरोसा कीजिए, बात करते हैं आप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वैसे भी हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं। ऐसे एक बच्चे को घायल कर चुका है वो। मैं तो कहता हूँ हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। बिल्कुल। अगर उसने फिर से गोली चलाई तो क्या हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? Listen, we will do what is needed. लेकिन प्लीज आप लोग जरा शांत बैठिए। How dare you say that? आप शांत रहिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस। अंकल प्लीज, इंस्पेक्टर को मालूम है कि क्या करना है। He's straight for this. अगर हम उन पर भरोसा नहीं रखेंगे तो और किस पर रखेंगे? Just let him do what he has to do. देखिए, excuse me. हेलो, यस सर, जैन सर। नहीं सर, अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है सर। नहीं सर, इस बार हम उसे अपने हाथ से बच के जाने नहीं देंगे सर। सर, आई हैव अ बेटर आइडिया। मुझे एक स्नाइपर की जरूरत पड़ेगी सर। सर, इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है सर। प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। यस सर, ओके सर, आई कीप यू पोस्टेड सर। ओके, जैन सर। पवार, हेडक्वार्टर फोन लगाओ और सार्जेंट से मेरी बात करवाओ। मजीद, मंदराम, जल्दी आओ, बिजली साफ करो। मस्ती के